आपके पास? अभी आपको मिल जाएगी फ्रेंच फ्राइज, पाव भाजी, वड़ा पाव, दाल समोसा, वेज रोल। हमारा जो स्पेशल है वो है वड़ा पाव, दाल समोसा और पाव भाजी। ये कितने के? ये कितने के? ये वाले? हाँ, ये 150 रुपये की है। 150 ये वाले कितने? हाँ ये बस, ये वाला ये है कि हम लोग आइस बर्फ में आए कि हमें पता कि चलो आइसक्रीम वगैरह ले लेते करके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey guys, welcome to my new vlog। आज का vlog हम बहुत दिनों के बाद स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि पापा की तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा सा काम में बिजी थे और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ जॉब पर। चलो यार, फाइनली आपका भाई जॉब पर पहुंच गया है। और आपके भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब करके फुल सपोर्ट कीजिए। अच्छा, अभी काम शाम करते हैं, पहले जूस पी लेते फिर उसके बाद काम करते हैं। आओ। हाँ, बहुत सुकून मिला। हाय 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 हाय। तो आपका भाई अब काम शाम करता है क्योंकि पहले ही बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका है, क्योंकि वैसे मैं आता हूँ 7:30 बजे, अब आया हूँ 10:30 बजे, मतलब 10 बजे फिलहाल अभी। तो चलो काम वाम करते फिर मिलते हैं आपसे। अच्छा, अब काम वगैरह हो गया है, अब चलते हैं मार्केट क्योंकि घर के लिए सामान वगैरह मंगाया है। फाइनली सारा सामान वगैरह ले लिया है, अब चलते हैं घर की तरफ। फाइनली मैं अब घर पर आ गया हूँ, सारा राशन वगैरह ले लिया है। मटर और देखो नन्नी भाभी और पप्पो ये रहे, सही है। और अभी टाइम हो रहा है 11:20। यार फाइनली आरती की कॉल आई थी क्योंकि उसकी दोस्त की कोई बर्थडे वगैरह है तो उसको थोड़ी सी कुछ चीज़ें वगैरह, क्योंकि मुझे बहुत दिन पहले ही उसने कहा था कि अरुण भाई मैं आपको कॉल करूँगी तो आप सिर्फ मेरे साथ चल लेना। तो मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है। फाइनली मैं आ गया हूँ मामलों के घर पर, इनका पोर्ट वाला था आ गए हैं, देख सकते हो आरती माता जी। ये सिंगल है, बताओ कौन सा चाहिए? ये वाले का। यार जा भाई जा बाबा। फाइनली यार हम लोगों ने गजरे वगैरह ले लिए आरती के लिए, आरती की दोस्त के लिए, और अब जा रहे हम पार्लर। कहाँ जा रहे? पार्लर। फाइनली भाई आरती के पार्लर में हम आ गए और आरती को भी ड्रॉप करेंगे फिर जाएंगे घर पर। गुलाब जामुन तो ले लेते मीठे। क्या फाइनली आरती को छोड़ दिया पार्लर, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, देख सकते हो दरवाजा है। और ज़्यादा आने जाने की मैंने शूट नहीं लिया क्योंकि धूप बहुत थी इसकी वजह से, तब डायरेक्टली घर पर जा रहा हूँ। लोगों ने अचानक से प्रोग्राम बना लिया है कि चलते हैं कहीं ना कहीं खाने पीने के लिए, तो हमने सोचा कि हमारे घर बहुत करीब ही एक छोटा स्टॉल है कविता दीदी का, जो मतलब वड़ा पाव वगैरह मतलब इंडियन जो फूड वगैरह होता है ना वो वहाँ पर मिलेगा। तो आओ चलते हैं। मैं हूँ, विकास भाई है, दक्ष है और चाचा लोग हैं। भाभी के लिए भी वड़ा पाव लेके जा रहे हैं। भाभी लोग दो दो नहीं चार वड़ा पाव मंगाए भाभी ने, कह रहे एक इतना छोटा होता कम से कम चार होने चाहिए। पराठा पराठा कितने? नहीं वैसे भाभी के लिए एक पराठे नहीं चार पराठे बहुत है ना वैसे, क्योंकि इनकी सेहत देख सकते हो आप। फाइनली हम लोग स्टॉल पर आ गए हैं जो हमने सुना था कि भाई ये बहुत फेमस चल रहा है आजकल, छोटा सा स्टॉल है बट पूरी फैमिली ही ये लोग मतलब सब कुछ कर रहा है ये लोग। हेलो दीदी, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या हमने आपके बारे में बहुत सुना था कि आपका माशाल्लाह स्टॉल बहुत अच्छा चल रहा है और हर चीज़ मतलब ए टू जेड है मतलब, और वैसे खाने में भी क्या क्या चीज़ें आपके पास? अभी आपको मिल जाएगी फ्रेंच फ्राइज, पाव भाजी, वड़ा पाव, दाल समोसा, वेज रोल। हमारा जो स्पेशल है वो है वड़ा पाव, दाल समोसा और पाव भाजी।
तो बेसिकली हमें नहीं पता था आप यहाँ पे स्टॉल लगाना। हमारे पास काफी बंदों के वीडियोस वगैरह आए, हमने देखा कि यार हमारी कम्युनिटी भी इस तरह काम कर सकती है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ ये कि आपका स्टॉल कब से चल रहा है? ये टाइम हो गया 7 से 8 महीने हो गए यहाँ पे स्टॉल चलाते हुए। और आपको कैसा लग रहा है, इतनी हाइप मिली? और आपको पता था कि ये एक गली के अंदर इतना फेमस हो जाएंगे आप? बस ये 7 से 8 महीने से मेहनत चल रही थी और इसको लाजमी सी बात है, लोगों ने थोड़ा अच्छा शेयर किया है और हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई है उन्होंने इसको इस मुकाम पर पहुंचाया है कि आप खुद देख सकते हैं कि क्राउड हमारे पास अब किस उसमें है लेवल पे। और आपकी टाइमिंग क्या है वैसे? हमारी शाम 6 बजे से टिल 9 या 10:30 होता है, अगर स्टॉक रहता है तो हम बियॉन्ड 9-10 हम लोग जाते हैं। और आपका सिग्नेचर आइटम वैसे कौन सा है इसमें से? हमारा सिग्नेचर आइटम 2 है, पाव भाजी और वड़ा पाव। पाव भाजी और वड़ा पाव जो हम बेस्ट सेलिंग में आते हैं। तो मंगवा लें, मंगवाओ भाई, जो सबसे बेस्ट क्या है यहाँ पर? सबसे बेस्ट आपको वड़ा पाव मिल जाएगा, पाव भाजी। और एक यूनिक चीज हमने देखी थी 2-3 वीडियोस में, दाल वाले समोसे। दाल समोसा भी, जी दाल समोसे भी मिल जाएगा। ये आप हो गए, ये आपका भाई है छोटा साथ में? ये मेरे पड़ोसी है, ये मेरे साथ हेल्प कराता है। और ये आपकी मम्मा है? एग्जैक्टली। आपकी एक सिस्टर होती है और एक भाभी है, ये मेरी बड़ी भाभी है, वन एंड ओनली भाभी। छोटी सी फैमिली अच्छा है, बहुत अच्छा है स्टॉल। अच्छा सर जी, ये क्या चीज़ है? ये तवा कलेजी है, चिकन तवा कलेजी, बारबेक्यू में आपको प्रॉन्स मिलेंगे, बोटियाँ मिलेंगी, विंग्स मिलेंगे, और बस ये बारबेक्यू आइटम्स और तवा कलेजी। और यहाँ पर आंटी बताओ क्या बना रहे हैं? यहाँ पे हम लोग दही वड़ा चना चाट हैं। ठीक लगाया हुआ है, तो हम लोग मंगा लेते हैं। तकरीबन क्या ऑर्डर करना है वैसे? आप लोग मंगाओ, मैं तो फिर देखूंगा। पाव भाजी मंगा लेते हैं जो सबसे बेस्ट है यहाँ पर, फिर चेक करते हैं और क्या मंगाते हैं। यार हम लोग जैसे ही पहुँच गए थे, मासी लोग तो पहले पहुँचे हुए हैं, मासी ये ऋषा ये जरना ये लोग पहले आए हुए, हमारा वहाँ पर वेट कर रहे थे, तो हमने बोला कि हम लोग बस आ रहे हैं। और दक्ष भाई को हमने घर से पिक कर लिया था, दक्ष भाई घर पर ही थे। तेरे नाम फुल माशाल्लाह इनके स्टॉल बहुत अच्छा चल रहा है और रश चेक कर सकते हो आप लोग। तो गाइज हमारा भी वड़ा पाव आ चुका है और पाव भाजी भी आ चुकी है। अब अच्छा मुझे ये नहीं पता इसमें वड़ा पाव कौन सा है, पाव भाजी कौन सी है, वो खा कर दीदी तो मुझे दोनों ही पाव भाजी है और ये वड़ा पाव है। अच्छा अच्छा, ये जिसके अंदर बीच में वो है रायता है, ये पाव भाजी और ये वड़ा पाव, ये वड़ा पाव जिसमें रायता है। चलो टेस्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम टेस्ट करेंगे ये जी। गाइस यहाँ पर बहुत रश लगा हुआ, आप देख सकते हैं जगह फुल हुई हुई है और इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। शर्मा क्यों रहे हो भाई, चलो ना, चलो भाई शुरू करो। दक्ष भाई पता नहीं क्यों शर्मा रहे भाई, वो बाल की वजह से शर्मा रहे क्योंकि उसके बाल तेरे नाम जैसे। हाँ भाई स्टार्ट करो। हाँ खाओ भाई, स्पेशली हम तुम्हारे लिए आए हैं यहाँ पर दक्ष। चलो अरुण खा कर बताओ कैसा है। अच्छा चीज बढ़िया है, ऊपर से कस्टा कड़ा सही। चलो भाई अरुण भाई आप ये पाव भाजी है ना? हाँ चलो टेस्ट करके बताओ कैसा है। गिर गया, चीज बढ़िया है, बढ़िया आलू की कतिया है ये तो। क्या कर रहे हैं यार तू, घर में जो बना था ना भुजिया आलू की, कारोबार खराब होता है। नहीं नहीं बहुत अच्छा है वैसे, बहुत अच्छा टेस्ट है आलू। यार फाइनली हम लोगों ने वड़ा पाव और भाजी खा ली है, जो आलू की भाजी जो थी पाव भाजी, क्योंकि हमें नाम नहीं पता इस चीज का। तो आओ फिर अब चलते हैं घर की तरफ। फाइनली यार अभी हम लोग आ गए आलू भजिया खाकर, अब तो अभी ये कि पाव भाजी खाकर आ गए, तो अभी ये है कि हम लोग आइस बर्ग में आए, कि हमने सोचा कि चलो आइसक्रीम वगैरह ले लेते घर के लिए। यार यहाँ पर तो बहुत ही रश है, देख बहुत लाइन है, बहुत लंबी लाइन है।
भाई मैं लाइन पे लगे हुए, बहुत रश है यहाँ पर, बहुत रश है भाई, बहुत रश है। लोग पड़े हैं ऐसा लग रहा है फ्री में सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। आपको आइसक्रीम नहीं दे रहे थे क्योंकि जान है आप, चले ये था क्या वैसे? ये था क्या? मुझे तो पता नहीं, अभी पता चलेगा घर पर एडिट के टाइम पे पता चलेगा ये था क्या वैसे। फाइनली वो शख्स आ चुका है भाई, देख सकते हो ये है मिस्टर टोपी। नहीं नहीं चबनम का है। भाई बंस रोड पर ना, डबल रोटी ओए ओए भाई बंस रोड पर है, बंस रोड पर विकी कोई कह रहा था अगर इससे अच्छा बर्गर खा लो। पाव भाजी खा दी तूने? कविता ने पाव भाजी खा दी तूने? कविता ने पाव भाजी खा दी? कविता कह रही थोड़ी देर पाव भाजी यानी यानी कविता ने बड़ा पे बाल देख सकते हो सनाटे बाल सही कर सनाटे बाल। अजय कुछ बोलना चाहोगे दक्ष के लिए? देखो अभी हम इनके बड़े पापा, आप क्या बोल रहे हो? अच्छी बात नहीं है सर, भाई के साथ। अच्छा करेंगे फिर थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। जबर जबर देखो खाली मोहनलाल। इंग्लिश 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 क्या उर्दू आए देखिए मोटे भाई, तुम लोग ने अलाउ ना दिया बीन, दोनों को शुगर अलाउ नहीं है। आज के बाद छोड़ देंगे। आज आखिरी है, आज आखिरी है। जो अंधी हो ऑफिसर ने स्कूल काम आवे नहीं था ची ऐसी ले मेरा 450 में बुरी नहीं है। यार फाइनली हम लोग चाचा के घर से आ गए, आइसक्रीम वगैरह जो आइस पर से लिया, आइसक्रीम वगैरह खाई और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। अभी हम लोग ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं, और आपके भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फुल सपोर्ट कीजिए बारिया ब्लॉग को। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।